दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल शेयर मार्केट टिप्स में स्वागत है। दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में मुथूट फाइनेंस के स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो कि इस दौर में एक खरे सोने की तरह सामने आया है। दोस्तों ये आप जानते ही होंगे कि मुथूट फाइनेंस गोल्ड के बदले लोन देता है। दोस्तों COVID-19 और लॉकडाउन की वजह से लोगों की अर्निंग लगभग खत्म हो चुकी है और आज तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अनाउंस कर दिया है कि वह अपने एम्प्लॉय और पेंशनर को जुलाई 2021 तक डीए नहीं बढ़ा रही है। दोस्तों इकोनॉमी का इतना बुरा हाल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी अपने खर्चे काट रही है, तो एक आम आदमी का तो क्या हाल होगा। तो दोस्तों यही वजह है कि फाइनेंशियल सेक्टर इस टाइम में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और फाइनेंशियल सेक्टर जैसे कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और यहां तक कि HDFC बैंक के शेयर भी दिनों दिन गिरते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस बुरे दौर में भी मुथूट फाइनेंस का स्टॉक एक गोल्डन परफॉर्मेंस दे रहा है। इसके पीछे कारण है कि मुथूट फाइनेंस गोल्ड के बदले लोन देता है और आज के दौर में दोस्तों गोल्ड के रेट दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप जानते ही होंगे कि गोल्ड के रेट अभी 45 से 46,000 रुपए पर तोला चल रहे हैं और नियर टर्म में इसके 50,000 पर तोला तक जाने की संभावना है। तो दोस्तों मुथूट फाइनेंस द्वारा दिए गए लोन का एनपी में बदलना बहुत मुश्किल लगता है। यही कारण है कि ये इस बुरे दौर में भी एक खरे सोने की तरह है। तो दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम सबसे पहले मुथूट फाइनेंस का रिकॉर्ड चार्ट पर देखेंगे, एक साल के, पाँच साल के, छः महीने के, एक हफ्ते के और एक दिन के चार्ट पर इसका रिटर्न चेक करेंगे। दोस्तों उसके बाद इसको कंपेयर करेंगे कि इसका पी रेशो जो इसके सेक्टर के बाकी पीयर से उनके पी रेशो से कितना कम या ज़्यादा है और इसका डिविडेंड देने का क्या रिकॉर्ड रहा है या क्या रिकॉर्ड है। दोस्तों ठीक है, दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों ये आपके सामने मुथूट फाइनेंस लिमिटेड का एक दिन का चार्ट है। दोस्तों ये आज 23 अप्रैल है और 3:30 का टाइम हो चुका है, मार्केट बंद हो चुका है, उसके बाद का ये चार्ट है। आज की इसकी क्लोजिंग रही है 825.35 रुपये और लगभग 8.5% आज ये स्टॉक ऊपर रहा है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये 9:15 बजे 767.90 रुपये पर खुलता है दोस्तों और ये बढ़ते बढ़ते आज 825.35 रुपये पर क्लोज होता है। देखो आप 3:30 बजे के टाइम का ये यहाँ पर लास्ट ग्राफ है दोस्तों। तो दोस्तों ये दिख ही रहा है कि जो डे का चार्ट है उस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप 5 दिन का इसका चार्ट देख लीजिए, ये देख लीजिए 5 दिन में देखो किस तरीके से इसने परफॉर्म किया है, कितनी तेज़ी से ऊपर गया है। 1 मंथ का देख लीजिए, ये देखिए दोस्तों 1 महीने पहले 24 मार्च को ये स्टॉक 514.70 रुपये का था और देखो वहाँ से आज ये स्टॉक कहाँ गया। ये 6 महीने का देख लेते हैं। देखो दोस्तों 6 महीने पहले ये 24 अक्टूबर को 669.65 रुपये का ये स्टॉक था और आज ये वहाँ से काफ़ी ऊपर है, जबकि बीच में जब निफ्टी ने दो लोअर सर्किट लगाए तब ये काफ़ी नीचे गिरा था, लेकिन वहाँ से रिकवरी बहुत तेज है। दोस्तों ये 1 ईयर का चार्ट देख लेते हैं इसका एक बार। देखिए दोस्तों 1 ईयर के चार्ट पर ये यहाँ पर दिख रहा है, ये 24 अप्रैल को कुल 586.70 रुपये का था और आज देखिए और इसकी यहाँ पर रिकवरी देखिए कितनी फास्ट है। अच्छा 5 साल का इसका चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों ये 5 साल के चार्ट पर साफ साफ दिखाता है कि ये स्टॉक कितना स्ट्रॉन्ग रहा है। दोस्तों ये देखिए दोस्तों आप, ये 2016 में लगभग 185 रुपये का ये स्टॉक हुआ करता था और वहाँ से 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल सिर्फ 4 साल में ये स्टॉक ये 185 रुपये से आज की डेट में 825.35 रुपये हैं, जबकि इसने ये बुरा दौर भी देखा है इस बीच में दोस्तों। तो दोस्तों ये फाइनेंस का बहुत बेहतरीन, बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्टॉक है। तो की थोड़ी डिटेल और देख लेते हैं, इसको नीचे थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, ये देख लेते हैं इसका 52 वीक हाई कितना रहा है, 954.50 रुपये। इसका 52 वीक लो क्या रहा है, 476.80 रुपये। ये देखिए दोस्तों इसका डिविडेंड यील्ड कितना है, ये जो डिविडेंड यील्ड यहाँ पे है उस पर शेयर है दोस्तों, तो 2.54% है दोस्तों पर शेयर। बहुत अच्छा डिविडेंड यील्ड रहा है इसी स्टॉक ने, ये रिटर्न तो दिए ही है, साथ साथ में इसने बहुत अच्छा डिविडेंड भी बांटा है।
दोस्तों यहाँ इसका पी रेशो देख लेते हैं। ये पी रेशो इस स्टॉक का 11.67 है दोस्तों ये बहुत बहुत ज़्यादा सस्ता है ये स्टॉक इस पी रेशो के हिसाब से, साफ पता लग रहा है। अभी हम आपको एनएससी की वेबसाइट पर लेके जाएंगे और उसके सेक्टर का भी पी रेशो से कंपेयर। ये आपके सामने दोस्तों एनएससी की वेबसाइट का इसका डाटा है। ये यहाँ पर इसका शेयर प्राइस है 825.35। तो दोस्तों ये देखिए इसका पी है यहाँ पर 11.27 और इसका जो सेक्टर का पी है वो 20.01 है दोस्तों। तो दोस्तों इस स्टॉक का पी अपने सेक्टर के पी से लगभग आधा है और ये स्टॉक अपने पीयर्स के आधे रेट पर आपको मिल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अब सवाल ये है कि पी कम है तो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। अभी आप इसकी परफॉर्मेंस दोस्तों इसके चार्ट पर देख चुके हैं। अभी इसके हम प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर कंपनी इंफॉर्मेशन में थोड़ा देख लेते हैं और क्या इसने डिविडेंड बांटा है ये भी देख लेंगे। ये देखिए दोस्तों इसका फाइनेंशियल रिजल्ट देखिए आप, ये 30 सितंबर 2019 जो कि दूसरा क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर 2019 का, इस कंपनी ने 85,792 लाख रुपये का प्रॉफिट किया दोस्तों। और तीसरे क्वार्टर में जो 31 दिसंबर 2019 को एंड हुआ है उसमें 80,341.40 लाख का प्रॉफिट किया है। अभी इसका फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है जो कि मार्च में क्लोज हुआ है दोस्तों। अभी इसका डिविडेंड देख लेते हैं, उसके लिए मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल करता हूं नीचे, इसने कितना डिविडेंड दिया है ये यहाँ पर देखे दोस्तों आप, ये इसने इंतरिम डिविडेंड दिया है 23 मार्च को 15 रुपये पर शेयर का दिया है दोस्तों। और इसी फाइनेंशियल ईयर में 11 अप्रैल को इसने डिविडेंड दिया था 12 रुपये का, 25 रुपये का तो दोस्तों इसने डिविडेंड दिया है लास्ट ईयर में। तो इसका डिविडेंड देने का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है दोस्तों। दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर बाकी फाइनेंस कंपनी की वीडियो भी पड़ी हुई है और बैंक एंड NBFC नाम से एक प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर पड़ी हुई है दोस्तों। आप उस प्लेलिस्ट में बाकी वीडियो देख सकते हैं, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो आप इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर वो प्लेलिस्ट मैं डाल दूंगा, वो वहाँ पर डिस्प्ले होगी तो आप वहाँ से भी उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।